अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। हम आए हुए हैं फेस वॉश लेने, और जो फेस है वो हो गया है ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो गई है। तो मैं मुझसे बिल्कुल सोप यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कोई ना कोई मिल जाए जो अच्छी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मेरी सेंसिटिव स्किन, साबुन जो है मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो कोई फेस वॉश मिल जाए। वैसे तो फेस वॉश मेरे पास है बॉडी शॉप का ग्रीन में जो है, लेकिन मेरे पास जो है ग्रीन वो भी माफिक नहीं आ रहा मुझे। मुझे बिल्कुल मॉइस्चराइज़र और चिकना मुझे जी फेस वॉश चाहिए। E45 का बहुत अच्छा था, पिछली दफ़ा लिया तो मैं E45 जो था बहुत अच्छा है। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा है। मैं सेटाफिल का लेना चाहती हूँ, लेकिन इस टाइम उसका भी नहीं है, सेटाफिल का भी नहीं है फेस वॉश। बहुत अच्छा ये देखें, ये है मुझे कुछ है तो सस्ता और अच्छा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या है। सेटाफिल इतना अच्छा लोशन है, लगाने के बाद इतना ज़बरदस्त उसमें मॉइस्चराइज़र होता है ना कि स्किन ऐसी हो जाती है बिल्कुल डिहाइड्रेट, जो ना ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट हो जाता है। और बहुत जिनकी स्किन का मसला होता है ना, तो फिर वो बहुत अच्छी हो जाती है उसकी स्किन। लेकिन मुझे या फिर E45 जो है वो बहुत अच्छी है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो इसकी वजह से जो स्किन पे बहुत से शुरू हो जाती है, यानी इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर रिंकल का और इसका और उसका, तो फिर देखना पड़ता है उस हिसाब से चीज़ें चूज़ करना पड़ती हैं हमने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो बस यही है। और जब मैं ऐसी चीज़ों में घुस जाऊँ ना, तो बस वो देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ किस लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये गार्नियर है, ये गार्नियर प्रोडक्ट जो है अच्छी भी है और नॉर्मल है, लेकिन जो निविया है वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये देखें E45, ये है E45, ये लोशन है, मॉइस्चराइज़र लोशन। E45 इज़ गुड, बहुत अच्छा है। और निविया जो है, निविया की हर प्रोडक्ट जी बहुत अच्छी है सेंसिटिव स्किन के लिए, बिल्कुल इसका रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे ख़्याल से बहुत ही एहतियात से बनाया हुआ है स्किन के लिए इनको, इसकी प्रोडक्ट को, या बॉडी शॉप की, या फिर निविया, या फिर सेटाफिल जो है, ये E45, ये एक दो कुछ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है, जिनकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उनके बस ये है कि आप केयर करते रहेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप जो है पानी पीते रहेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप जी अपनी स्किन के साथ एक्सरसाइज रखेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से जो होता है स्किन की तबाही मचती है, अगर जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, डिप्रेशन के असरात जो है वो स्किन के ऊपर बहुत जल्दी आते हैं। तो अल्लाह ताला सबको डिप्रेशन से दूर रखे, मेरी दुआ है अल्लाह पाक किसी को भी डिप्रेशन ना हो कभी ज़िंदगी भर, सब जो है हंसते बसते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मियाँ किसी को कोई गम ना दे। तो बस यही है कि ये ओले है, ओले जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ओले बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं की। मैं आई क्रीम लेके आई थी एक दफ़ा इसकी ओले की, तो मुझे तो भाई माफिक नहीं आई, वो अंडर आई लगाने की थी, तो मैंने कहा शायद अच्छी होगी, मैं फिर उसी की लेके आई अंडर आई लगाने के लिए बॉडी शॉप की, वो बहुत अच्छी थी। और ये है, ये जितने भी ऑरेंज शेड में हैं ये सब रंग गोरा करने के लिए हैं, जिनकी स्किन पे ब्राइटनेस नहीं है उनके लिए हैं ये, वो नहीं है, 5 क्रीमें नहीं है भाई, इसे गलत मत समझ लेना, 5 क्रीमें नहीं है ये जो है, ये जो ऑरेंज कलर है ये गोरा करने के लिए हैं, ये लाइटली गोरा करते हैं और जो नेचुरल लगता है, जो खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। ये 5 क्रीमें नहीं है कि लगाया और रंग गोरा हो गया, ये इसका असर बहुत देर पर होता है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें ना, तो और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए ये मास्क हैं, ये मास्क सारे मास्क हैं, ये मैंने इनमें से तकरीबन लगाए हुए हैं, और एक दो एक ऐसे मास्क हैं जो 5 पाउंड के हैं, लेकिन उसका असर बहुत अच्छा है। एक इंजेक्शन जैसे बुटेक्स जिसे कहते हैं ना, बुटोक्स जिसे कहते हैं, बुटोक्स का रेक्स, उसमें जो असर है ये देखें, ये वाला, लेकिन ये मैंने लगाया हुआ नहीं है, लेकिन सुना ही है ये कि इसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
और तमाम चीज़ें इन्होंने साथ साथ रखी हुई हैं। सिंपल भी बहुत अच्छी कंपनी है, सिंपल भी सेंसिटिव लोगों के लिए हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव लोग नहीं, सेंसिटिव स्किन के लिए। तो बहुत अच्छा है ये लॉरियल, बहुत अच्छी कंपनी है स्किन के लिए, लेकिन उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती लॉरियल की, पता नहीं कैसी होती है, अजीब सी, वो मुझे सूट नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती। और जी यहाँ पर सीरम भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर जो है मास्क भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर जी आपके शैम्पू भी बहुत सारे मिलेंगे। हम आए हुए हैं एक्चुअली मॉरिसन, और मॉरिसन में भी चीज़ें अच्छी मिलती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। इन्होंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई है, एस 10 से ज़्यादा इनके पास है ना ब्यूटी की। देखें ये जो है जितने भी, और ये विटामिन सी है, ये भी रंग को ब्राइटनेस के लिए, और वाकई इससे ब्राइटनेस भी आती है और स्किन के ऊपर है ना शाइनिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। तो आप ज़रूर यूज़ करें अगर आपको मौका मिले करने का, देखने का, यूज़ करने का। सिंपल जो है वो सिंपल ही है, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए है, बहुत अच्छी है, इसमें खुशबू नहीं होती बिल्कुल भी इसकी प्रोडक्ट में, और बहुत अच्छी है स्किन, क्योंकि जितना कम यूज़ करते हैं ना स्किन के लिए जिसमें खुशबू नहीं होती वो इतनी ही अच्छी होती है। ये एक राज की बात है जो शायद समझ जाए, किसी को पता हो ये बात कि जो आप खुशबू, उसको कहते हैं ना इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितनी भी खुशबू होती है ना, जितनी भी खुशबू वाली स्किन पे लगाने वाली चीज़ होती है वो आपके ऊपर देर पर नहीं होती, असर जो होती है वो होती है जिसमें ज़्यादा खुशबू ना हो, बिल्कुल ना ही हो बिल्कुल भी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये तमाम विटामिन सी, और जी बहुत सारे वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, सन क्रीम भी बहुत हैं। ये देखें गार्नियर की है, भाई मुझे गार्नियर है ना एक्चुअली मुझे माफिक नहीं आया कभी भी, गार्नियर में जब भी लाई ना मुझे माफिक नहीं आया। अब मुझे नहीं पता, मैं लाई थी गार्नियर का शैम्पू, मुझे बिल्कुल भी माफिक नहीं आया और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मुझे सूट भी नहीं किया। ये देखें ये E45 है, ये बेस्ट है, आप यूज़ करेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। है थोड़ा सा महंगा ही है E45, ये उन लोगों के लिए है E45 जिनको एक्जिमा हो जाता है स्किन के ऊपर, तो एक्जिमा स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये E45। और ये तमाम जो है हेयर मास्क वगैरह हैं ये, और बहुत अच्छे हैं हेयर मास्क जितने भी हैं। और ये निविया का लोशन है, निविया लोशन है ये, सेंसिटिव हाइड्रेशन, हाइड्रेट स्किन जो होती है उसके लिए, हाइड्रेट करने के लिए स्किन को। और जी आपको मैं दिखाऊं और चीज़ें, ये दोबारा से ये तमाम है, ये निविया का, ये जी ये हैं वाइप्स हैं, ये स्किन वाइप्स हैं, इसका भी एक अहम किरदार है हमारी स्किन के ऊपर, बल्कि बहुत ही अहम किरदार है ये जो वाइप्स है ना, इससे अगर आप स्किन साफ़ करें ना तो आपकी स्किन ऐसे चमक जाती है जैसे कोई फेशियल किया हुआ हो स्किन पे, बिलीव मी ये इतना अच्छे होते हैं ये वाइप्स जो होते हैं ना, स्किन वाइप्स होते हैं ये, इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है, और मैंने काफ़ी इस्तेमाल करके देखा है, और स्किन पर जो है काफ़ी शाइन आना शुरू हो जाती है इससे वाइप्स से। और ये देखें टोनिक है, ये नया न्यू प्रोडक्ट है, टोनिक है, चीज़ें हैं कुछ। और जी ये शैम्पू की, ये तमाम शैम्पू हैं हर तरह के, अपने आपके हेयर्स के लिए, आपके हर तरह की प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके हेयर्स हैं आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम तेल हैं, तेल ऑयल कहते हैं जैसे मालिश, वो है ये तमाम हेयर के लिए, इसको अलग रखा हुआ है इन्होंने, अलग से सेक्शन में रखा हुआ है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। वैसे तो मुझे शुरू में ही कहना चाहिए आप सबको, ये भूल जाती हूँ मैं, शुरू हो जाती हूँ आपको चीज़ें दिखाना, अपनी वीडियो बनाते हुए बातें करना, तो मुझे हेड एंड शोल्डर भी माफिक आता है, ये बहुत अच्छा रहता है, सिकरी खुश्की हो जाए ना उस चीज़ के लिए ये मास्क हैं, ये केराटिन मास्क हैं, ये बहुत अच्छे मास्क होते हैं, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वो होता है क्या, ताकत होती है बालों को शाइन करने की, बालों को लॉन्ग करने की, बालों को सेंसिटिव जो उनके बाल अंदर से डैमेज हो रहे हैं उनके लिए ये केराटिन जो मास्क है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, कम कीमत में है, ये 150 का एक मास्क है, ये ऑर्गन स्मूथ है, ये दो एक तरह के मास्क हैं, और हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है।
तो मुझे ये भी अच्छा लगा क्योंकि जब चीज़ें होती है ना सामने होती हैं तो मैं घुस जाती हूँ चीज़ों में और देखती हूँ इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना और इसके बाद ही उसको यूज़ करना। तो यहाँ के लोगों को तो वैसे ही आदत होती है, यहाँ के हमारे यूके के लोगों को, कि पढ़ पढ़ के चीज़ें लेते हैं। तो कुछ अर्से पहले मैंने एक शैम्पू भी यूज़ किया था जॉन फ्रीडा का, तो वो ऐसा में मिलता है और लेकिन वो मुझे बहुत उसका वो था, बहुत ही अच्छा शैम्पू था, वो बहुत ही नाइस शैम्पू था, डिप्रेशन वो भी एंटी डिप्रेशन था, वो लिखा हुआ तो ऐसे ही था लेकिन वो उसका ना बालों के ऊपर बहुत अच्छा था उसका इफ़ेक्ट, ना बाल बहुत अच्छे स्मूथ हो गए थे उससे। लेकिन अब वो नहीं है वहाँ पर, एज़ा में नहीं है, तो मैंने फिर वहाँ से देखा भी था वहाँ पर, या तो फिर वो गोरे ले जाते हैं उनको इस बारे में पता है तो वो फ़ौरन ही सेल हो जाता है, जैसे आता है ना वो, और वो वैसे ही सेल हो जाता है। वो बहुत ही अच्छा शैम्पू है जॉन फ्रीडा का, तो मैं यूज़ करती थी पहले, कंटिन्यू यूज़ करा, अब तो बिल्कुल वो जगह खाली होती है जब मैं शैम्पू लेने जाती हूँ। तो ये देखें ब्लॉन्ड हेयर के लिए, और ये देखें। ओके जी, अब मैं अल्लाह हाफिज़, मैं इजाज़त चाहती हूँ।